नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा से टिकट ना मिलने से नाराज गोकुल सेतिया ने आज आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो किया। गोकुल सेतिया को इनेलो अकाली गठबंधन ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की और इनेलो ने सिरसा विधानसभा से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए गोकुल सेतिया ने दावा किया कि जनता के सहयोग व समर्थन से सिरसा से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार जनता के बीच रहे हैं और उनके दुख सुख में साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि नशा को दूर करना व आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। इसी के साथ आप देखते रहिए पल पल की खास रिपोर्ट। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमें समर्थन दिया है। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे संघर्ष को देखा और उनको विश्वास था कि ये व्यक्ति सिरसा की भलाई कर सकता है, सिरसा के काम कर सकता है, सिरसा का सेवादार बनके। तो इंडियन नेशनल लोकदल का मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से और भी संगठन ये चीज़ समझेंगे कि कौन काम करने वाला है और कौन केवल सिरसा के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसा है, हमारा जो मुकाबला है वो केवल और केवल हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनका है कि हमने क्या लेके आना है। जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनके खिलाफ उनसे हमारा मुकाबला है कि हम किस तरीके से नशे को हमारे इलाके में ख़त्म करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी लेके आएं। और जो लोगों को रोज़ सीवरेज पानी की दिक्कतें हो रही हैं, थेड़ की प्रॉब्लम है, नहरों की शुरुआत जो अब होने जा रही है उसके साथ पक्के खाले कराने हैं, नाले कराने, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए हम काम करेंगे और मुकाबला इसी चीज़ के साथ है जो कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर है नशे जैसी, किस तरीके से उनको हमने ख़त्म करना है। देखिए, पहले दिन से उनकी नीयत में खोट थी और पहले दिन से मेरा क्लैश रहा है अपनी पार्टी के साथ। आपने देखा है कि मैं अपने जनता की आवाज़ उठाता था और वो लोग लगातार निरंतर मेरी आवाज़ को दबाने का काम करते थे, पर ये जितने बुज़ुर्ग मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने आज तक मेरी कभी आवाज़ दबने नहीं दी। और उसी का परिणाम है कि 80 करोड़ के नहरे इनका भाई, इनका बच्चा यहाँ पर सरसा के चुनाव। तो बस अभी तो आप ये देख लीजिए, लोग तो कह रहे हैं जी हमने तो चार चार चक्कर पूरी विधानसभा में मार लिए, लेकिन मैं एक जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये ज़रूर देखिएगा कि चुनाव के समय चार चक्कर कौन मार रहा है और चार साल किसने चक्कर मारे हैं। तो मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, तो बड़ी मेहनत करनी है। अकेले मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेरे सभी साथियों को मेहनत करनी है। नमस्कार जी, नमस्कार। और सब ठीक हो? हाँ।